सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीर रस, ठीक है। वीर रस को पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल्स में और इसके कई सारे हम एग्जांपल भी देंगे। तो इस वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है, ठीक है। अगर आप किसी काम को बिल्कुल उत्साह तरीके से कर रहे हो तो वही वीर रस है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे इस स्थायी भाव की जगह पे किसी भी रस का स्थायी भाव लिखकर कोई भी रस को लिख सकते हो स्ट्रिक से, ठीक है। इसके बाद देखो इसके उदाहरण है। इसका एक उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें देखो उत्साह है, उत्साह पूर्वक लड़ रही, तो इसमें उत्साह दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, थाम थाम तलवार नहीं तो खून बहा दूंगा, 10 मिनट के अंदर तुझे शमशान घाट पहुंचा दूंगा। ये भी देखो वीरता का एक उदाहरण है। और भी मैं कुछ बता देता हूँ। था एक समय का बात, कोई वीर नहीं दिखलाता था, राणा प्रताप के घोड़े के सामने कोई तीर नहीं दिखलाता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल के सब्सक्राइब करके, बेल आइकन के आल पर प्रेस कर लेना।